Hey, good morning, students. I'm your English teacher, Mr. Vaibhav sir, and today I'm going to teach you English Bal Bharati Standard 7, lesson number 1.2, odd one in. So this is our second part of this video, and today we are going to learn about exercise. We are going to solve exercise. इस part में हम exercise solve करने वाले हैं. Okay? So without wasting time, let's start our video. क्वेश्चन नंबर वन, रीड अलाउड द कन्वर्सेशन इन द स्टोरी टर्न बाय टर्न. आप लोगों को ये स्टोरी जो है रीड करनी है, ये कन्वर्सेशन रीड करना है. ओके पढ़ना है. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, राइट अबाउट मालती एंड रीमा यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. आप लोगों को मालती और रीमा के बारे में कुछ लिखना है, और यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स भी दिए हैं, उन पॉइंट के हेल्प से मदद लेके आप यहाँ पे उनके बारे में लिखना है. यूज डिटेल फ्रॉम द स्टोरी एंड योर ओन इमेजिनेशन वेन यू राइट द अबव डिस्क्रिप्शन. सो आप इसमें ये जो स्टोरी दी हुई है टेक्स्ट बुक में उसकी भी हेल्प ले सकते हैं, या अपना खुद का इमेजिनेशन आपका आप जो लिख सकते हैं वो भी लिख सकते हैं इसमें. ओके नाउ लेट्स स्टार्ट. सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक से ही पॉइंट लिए है और यहाँ पे लिखा है. फर्स्ट कॉलम मैंने मालती का बनाया है एंड दूसरा इज रीमा. ओके सो फर्स्ट वन इज अपीयरेंस. दोनों का अपीयरेंस कैसा था, वो दिखती कैसी थी दोनों भी. सो मालती लुक्स सिंपल, हर ऑयल्स सर हर हेयर्स आर ऑयली एंड लॉन्ग स्कर्ट. ओके आफ्टर दैट रीमा, रीमा वॉज स्टाइलिश. ओके आफ्टर दैट स्टडीज, उनकी पढ़ाई के बारे में हमें लिखना है, मालती और रीमा की. सो मालती कैसी थी पढ़ाई में, मालती वॉज स्टडियस मीन्स पढ़ाकू थी, इंटेलिजेंट होशियार थी एंड गुड एट मैथ्स मीन्स वो गणित में बहुत अच्छी थी. आफ्टर दैट रीमा, रीमा कैसी थी, शी वॉज ऑल्सो गुड एट स्टडीज, वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी. नाउ नेक्स्ट इज सिंगिंग मीन्स गाना गाने में वो दोनों कैसी थी. तो फर्स्ट वन इज मालती, शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन वॉइस. उसका बहुत ही सुरीला आवाज़ था मालती का, एंड वेल ट्रेन वॉइस मीन्स ऐसे लग रहा था कि उसने गाना गाना सिखाया हो, संगीत सीखा हो किसी से, ऐसी उसकी वॉइस थी. शी वॉन फर्स्ट प्राइज इन द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन. उनके स्कूल में जो इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन थी तो उसमें इस मालती ने फर्स्ट प्राइज भी जीता था हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में. ओके नाउ रीमा, रीमा कैसी थी सिंगिंग में, शी वॉज ऑल्सो गुड एट सिंगिंग. रीमा भी गाना गाने में बहुत अच्छी थी. शी ऑल्सो वॉन फर्स्ट प्राइज इन हर कैटेगरी इन द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन. सो रीमा ने भी अपनी उसकी जो कैटेगरी थी इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी उसमें फर्स्ट प्राइज जीता था, उसने भी पार्टिसिपेट किया था इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में. नाउ नेक्स्ट इज एटीट्यूड टू अदर्स मीन्स दूसरों की तरफ देखने का रवैया कैसा था मालती और रीमा का. सो फर्स्ट वन इज मालती, मालती का नेचर कैसा था, शी वॉज हेल्पफुल एंड रिस्पेक्टफुल. वह दूसरों की मदद करती थी एंड रिस्पेक्टफुल मीन्स दूसरों का आदर सम्मान भी करती थी. रेडी टू लर्न फ्रॉम अदर्स, वह दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहती थी कुछ ना कुछ, एंड इम्प्रूव और वह खुद में कुछ सुधार भी कर रही थी, करना चाहती थी. तो अभी रीमा कैसी थी, सो रीमा वॉज रूड, वह बहुत ही रूड थी, अरोगेंट. आफ्टर दैट अनकाइंड, उसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी, अनकाइंड बिहेवियर है ना. शी डिड नॉट लाइक टू बी करेक्टेड, उसको कोई ठीक करे उसको कोई सुधारे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. रीमा को उसके अपोजिट थी मालती के बिल्कुल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वीक. तो मालती और रीमा की वीकनेस क्या थी वो अभी हमें लिखना है. सो मालती की वीकनेस क्या थी, हर इंग्लिश वॉज वेरी पुअर, उसकी इंग्लिश जो है बहुत ख़राब थी. आफ्टर दैट रीमा, रीमा की क्या वीकनेस थी, शी वॉज वीक इन हिंदी. रीमा हिंदी में वीक थी. शी वॉज जेलस टू अदर्स, वह दूसरों से जलन करती थी. एंड थॉट अदर्स टू बी इन्फेरियर टू हर, वह दूसरों को हमेशा खुद से क्या समझती थी, नीचा दिखाती थी. ऐसी रीमा और मालती की यह कंपैरिजन है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, इमेजिन यू आर मालती. इमेजिन यू आर मालती, आप मालती हो ऐसा आपको इमेजिन करना है, सोचना है. राइट अबाउट एनी वन इवेंट इन द स्टोरी फ्रॉम द मालतीज पॉइंट ऑफ व्यू. और कोई भी एक घटना आपको लिखनी है मालती है करके सोच के, अगर आपकी जगह मालती वहाँ पे होती तो आप क्या करते, सो ऐसा सोच के आपको एक इवेंट लिखना है.
सो आवर आंसर इज यस्टरडे, कल क्या हुआ, आई वॉज अब्सेंट फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल में अब्सेंट थी. सोचो आप मालती हो और अभी आपको लिखना है. ओके सो मैं कल अब्सेंट थी. आई डिसाइडेड टू आस्क रीमा एंड अदर क्लासमेट्स. तो मैंने सोचा कि मुझे पूछना चाहिए किसे, रीमा को और मेरे अदर क्लासमेट को, मेरी सहेलियों को, अबाउट द लेसन टॉट बाय द टीचर्स. टीचर्स ने जो कल लेसन पढ़ाए होंगे उनके बारे में मुझे पूछना चाहिए, ऐसे मैंने सोचा. एज सून एज आई अटर्ड, और ऐसे ही मैंने वहाँ पे अटर, अटर मीन्स बोला, पुकारा, मैंने वर्ड्स निकाले अपने मुँह से. क्या वर्ड्स थे? आई वॉन्टेड टू आक्स यू अबाउट इंग्लिश असाइनमेंट. ओके वाई आई प्रोनाउंस हियर आक्स, बिकॉज मालती आस्क नहीं रीड करती थी, वह आक्स रीड करती थी, है ना. सो दैट्स वाई आई रीड आक्स. ओके सो आई वॉन्टेड टू आक्स यू अबाउट इंग्लिश असाइनमेंट. मुझे आपको इंग्लिश के असाइनमेंट के बारे में पूछना है, स्वाध्याय के बारे में पूछना है. सो वॉट हैपन्ड, रीमा एंड हर फ्रेंड बस आउट ऑफ आउट लाफिंग. रीमा और उसकी फ्रेंड जो है वो क्या करने लगी, हंसने लगी. क्यों हंसने लगी? एट अ फर्स्ट आई डिडंट अंडरस्टैंड, पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आया वाई दे वर लाफिंग, वो क्यों हंस रहे हैं. देन रीमा स्टार्टेड मोकिंग, देन रीमा स्टार्टेड मोकिंग मी. तभी रीमा ने मेरी तरफ इशारा करते हुए बताने लगी, रिपीटिंग द वर्ड आक्स, वह वर्ड मैंने जो गलत बोला था, क्या वर्ड यूज़ किया था मैंने, इंस्टेड ऑफ आस्क, आस्क इंस्टेड ऑफ आक्स, आक्स. तो वह उस वर्ड को लेके वह मुझे चिढ़ा रहे थे, मेरे ऊपर हंस रहे थे. अदर गर्ल्स गीगल्ड एंड लुक एट मी विथ अ कंटेंप्ट, और बाकी की लड़कियां भी मेरी तरफ आश्चर्य की नज़रों से देख रही थी और मुझे, मेरे ऊपर हंस रही थी. आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे कैसा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा. आई रिक्वेस्टेड रीमा टू टीच मी इंग्लिश, मैंने रीमा के पास जाके उसे विनंती की कि मुझे क्या करो, इंग्लिश सिखाओ. एज शी वॉज गुड एट इंग्लिश, क्यों बोला उसे, क्योंकि वह इंग्लिश में बहुत अच्छी है, अच्छी थी इसलिए. एंड इट्स प्रोनाउंसिएशन बट शी टोल्ड मी रूडली, और उसका प्रोनाउंसिएशन भी इंग्लिश का बहुत अच्छा था, बट शी टोल्ड मी रूडली, और उसने मुझे रूडली मेरे साथ बात की. क्या बात की? एज आई बिलोंग टू द कंट्री साइड, मैं किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करती हूँ, आती हूँ. सो आई एम इनकेपेबल टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, तो मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकती, ऐसा मुझे उसने रूडली कहा. देर वॉज अ लम्प इन माई थ्रोट, मेरा गले में अभी लम्प हो गया, मीन्स मैं रोने वाली थी. एज कुड नॉट बियर दिस ह्यूमिलेशन, मैं मेरी ऐसी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी. आई वॉन्टेड टू रिट्रोट बट आई कुडंट फाइंड द राइट वर्ड्स, मैं उसका विरोध करना चाहती थी. रिट्रोट मीन्स उसको करारा जवाब देना चाहती थी. बट आई कुडंट फाइंड द राइट वर्ड्स, लेकिन मुझे कोई राइट वर्ड्स उसको रिप्लाई करने के लिए नहीं मिले. आई बर्स्ट इन टू टीयर्स एंड डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम देयर, मैंने रोना स्टार्ट कर दिया और क्या डिसाइड किया, वहाँ से भाग गई मैं. ऐसा आपको एज अ मालती है, आप मालती हो ऐसा इमेजिन करके लिखना है. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू बिहेव विथ योर क्लासमेट्स, आप अपने फ्रेंड के साथ, क्लासमेट के साथ कैसा बिहेव करते हो, उनको कैसे ट्रीट करते हो. राइट अबाउट योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, यहाँ पे आपको तीन कॉलम दिए हैं, इन तीन कॉलम में ऑलवेज समटाइम नेवर करके आप अपने फ्रेंड के साथ आपका रवैया कैसा है उनके साथ, आपका उनके साथ बर्ताव कैसा है, वो आपको लिखना है. सो हियर सम पॉइंट आल्सो गिवन टू यू, सम एक्शन आल्सो गिवन टू यू, सो यू हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ देम. सम एक्शन गिवन टू यू, आस्क अदर फॉर हेल्प, रिफ्यूज हेल्प, जज अदर्स बाय देयर अपियरेंस, जज अदर्स बाय देयर एंसेंट. ओके सो इन पॉइंट की हेल्प से आपको ये तीन कॉलम फिल करने हैं, ऑलवेज समटाइम एंड नेवर. सो इन द फर्स्ट कॉलम आई रोट ऑलवेज कॉलम में मैंने लिखा हुआ है आई हेल्प अदर्स. सेकेंड टाइम ऑलवेज आई हेल्प अदर्स, समटाइम में क्या आएगा, आई एम समटाइम ग्रम्पी टूवर्ड्स माई फ्रेंड. आफ्टर दैट नेवर, मैं कभी भी नहीं करता ऐसा, आई एम नेवर जजमेंटल, मैं कभी किसी को जज नहीं करता हूँ.
After that, always I share my tiffin with my friends. मैं मेरा टिफिन जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ. I inquire about the health of a sick classmate. कभी कभी मैं पूछता भी हूँ अपने फ्रेंड्स को उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में, वो अगर बीमार हो गए तो. एंड नेवर, नेवर के कॉलम में मैंने क्या लिखा है, आई नेवर यूज़ हार्श वर्ड्स, मीन्स मैं कभी अपने दोस्तों के साथ बुरे वर्ड्स या फिर उन उन वर्ड से वो हर्ट हो जाए ऐसे वर्ड्स के भी यूज़ नहीं करता हूँ. आफ्टर दैट ऑलवेज आई ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर, मैं हमेशा दूसरों की रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ. आफ्टर दैट समटाइम आई समटाइम्स विजिट NGOs टू वॉलेंटियर, मैं NGO के लिए एज अ वॉलेंटियर काम करता हूँ. वॉलेंटियर मीन्स दूसरों की मदद करने का काम करना, स्वयं सेवक जिसे कैसे कह सकते हैं हम कहते हैं. सो वो काम मैं कभी कभी करता हूँ. एंड नेवर आई नेवर मिसबिहेव इन क्लास, मैं क्लास में कभी मिसबिहेव बुरा बर्ताव नहीं करता हूँ, हमेशा अच्छा बर्ताव ही स्कूल में करता हूँ. सो आई रोट दिस कॉलम लाइक दिस, यू कैन एड योर ओन पॉइंट्स ऑल्सो. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5, टॉक अबाउट मीन्स यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए है उसके बारे में आपको बोलना है और वह लिखना भी है. ओके, सो ए इज योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत, योर वीकनेस आपकी कमजोरी, द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ, ऐसे कौन से बदलाव है जो आप खुद में करना चाहते हो. सो 3 ईच, आपको तीन तीन हर इसमें लिखने हैं. ओके, सो आवर आंसर इज ए योर स्ट्रेंथ, आपकी ताकत क्या है. माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज माय विलिंगनेस, मेरी इच्छा शक्ति मेरी सबसे बड़ी ताकत है. टू इम्प्रूव माई सेल्फ, खुद को सुधारने की मेरी जो इच्छा शक्ति है वह मेरी सबसे बड़ी ताकत है. आई एम ऑलवेज गुड लिसनर, मैं हमेशा गुड लिसनर हूँ, मीन्स मैं हमेशा अच्छा सुनता हूँ. ड्यू टू विच आई मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली, और उस वजह से मेरे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाते हैं. मैं अच्छा लिसनर हूँ तो मैं क्लास में भी अच्छा सुनता हूँ, टीचर्स का पढ़ाया हुआ तो मेरा होमवर्क भी अच्छा होता है और मुझे समझ में भी अच्छे से आता है, इसलिए मेरे जो क्लासमेट्स हैं वो मेरे क्या बन जाते हैं, जल्दी से फ्रेंड्स बन जाते हैं. आफ्टर दैट योर वीकनेस, सो मेरी कमजोरी क्या है. सो आई एम लेज़ी, मैं बहुत ही लेज़ी हूँ. व्हेन इट कम्स टू डूइंग होमवर्क, जब होमवर्क करने की बारी आती है तो मैं क्या बन जाता हूँ, लेज़ी बन जाता हूँ, आलसी बन जाता हूँ. आई हैव फोबिया ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप. फोबिया, फोबिया मीन्स एक टाइप का बीमारी है जिसमें किसी न किसी चीज़ का डर लगता है. सो आई हैव फोबिया, मुझे डर लगता है ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप, बड़े जन समुदाय के आगे बोलने के लिए मुझे क्या लगता है, डर लगता है. दिस हैज़ डेवलप इन टू अ स्टेज फ्रिट, सो उस वजह से मुझे स्टेज पे जाने पे, मंच जाने से मैं क्या करता हूँ, डरता हूँ. आई ऑल्सो कांट स्टॉप ईटिंग वंस आई स्टार्ट, मैंने अगर एक बार खाना स्टार्ट कर दिया तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ, खाते जाता हूँ. दिस मेक्स मी फॉल सिक एवरी ऑफन, और इस वजह से मैं बहुत ही जल्दी बीमार भी पड़ जाता हूँ. नाउ सी नंबर, द चेंजेस दैट यू वुड लाइक टू सी इन योर सेल्फ, ऐसे कुछ बदलाव जो मैं खुद में लाना चाहता हूँ, कौन से है. आई वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ माई लेजीनेस, मेरा जो आलसीपन है वह मैं जड़ से मिटाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू स्टार्ट कल्टिवेटिंग द हैबिट ऑफ रीडिंग टू इम्प्रूव माई लैंग्वेज, मेरी भाषा सुधारने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, रीडिंग, पढ़ने की जो मेरी आदत है उसमें सुधार करना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट कॉन्फिडेंटली इन द कॉम्पिटिशन, किसी भी कंपटीशन में मैं कॉन्फिडेंसली मीन्स आत्मविश्वास के साथ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, सहभाग लेना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई डाइट फॉर अ हेल्दी लिविंग, और मुझे मेरा डाइट जो है, मेरा खाना खाने की आदत जो है वो चेंज करनी है फॉर अ हेल्दी लाइफ, मीन्स अच्छे स्वास्थ्य के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लिस्ट ऑल द एडवर्ब्स दैट एंड विथ ly फ्रॉम द पैसेज. इस टेक्स्ट बुक्स में आप लोगों को जितने भी लास्ट में ly दिए हुए लगे हुए वर्ड्स है वो ढूंढ के लिखने हैं. आई एडेड हेयर सम ओनली, मैंने यहाँ पे कुछ ही वर्ड ऐड किए हैं, आप लोगों को पूरे ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं. सो विच वन आर, सो दे आर क्वाइटली, रूडली, कैटिली, अनचैरिटेबली, सैडली, स्नीडली. ओके, सो आप लोगों को यहाँ पे दूसरे भी वर्ड्स फाइंड आउट करके लिखने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, language study, this question related to the grammar. okay,
टाइप ऑफ नाउन्स, नाउन के प्रकार, मीन्स नाम जिसे कहते हैं उसके प्रकार कितने हैं. यू नो दैट अ नाउन इज अ वर्ड यूज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग. नाउन मीन्स क्या होता है, नाम, किसी भी इंसान का, स्थल का या फिर चीज का नाम, जो कुछ भी हम रखते हैं उसका कुछ नाम होता है, दैट इज कॉल्ड नाउन, उसे नाउन कहा जाता है. हिंदी में नाम कहा जाता है और इंग्लिश में नाउन. ओके, द नेम्स गिवन टू द टू पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल आर प्रॉपर नाउन्स. अगर किसी पर्टिकुलर मीन्स निश्चित व्यक्ति का, स्थान का या फिर एनिमल्स का, प्राणी का अगर नाम दिया हुआ है तो दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके, आफ्टर दैट एंड द रेस्ट ऑफ कॉमन नाउन्स, और जो बाकी के बचे हुए होते हैं, किसी ग्रुप का नाम हो तो दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन. ओके, फॉर एग्जाम्पल रिया, रिया इज अ प्रॉपर नाउन. ये जो है रिया, ये प्रॉपर नाउन है. क्यों है? बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. रिया नाम से हमें पर्टिकुलरली पता चलता है कि ये किसी लड़की का नाम है, ये कोई लड़की ही है ना. सो पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, दैट्स वाई इट इज़ प्रॉपर नाउन. बट गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन. लेकिन अगर गर्ल कहेंगे तो बहुत सारी गर्ल्स आती है, पूरे वर्ल्ड में जितनी गर्ल्स आएंगी वो पूरी की पूरी गर्ल्स वर्ल्ड में आ जाएगी. सो दैट इज गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, सामान्य नाम है. एज इट इज़ नॉट द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. वह किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है गर्ल, है ना. गर्ल में बहुत सारी लड़की आ सकती है. अहमदनगर इज़ अ प्रॉपर नाउन. अहमदनगर जो गांव का नाम है वह प्रॉपर नाम है, क्योंकि गांव में बहुत सारे गांव है ना. तो उसमें से अहमदनगर यह एक पर्टिकुलर है. अहमदनगर मीन्स अहमदनगर ही, कोई दूसरा गांव नहीं जा सकते, है ना. तो यह प्रॉपर नाउन है बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस. जैसे कि मैंने अभी बताया कि वह किसी पर्टिकुलर गांव का, प्लेस का ही नाम है. टाउन इज़ अ कॉमन नाउन, और टाउन जो है वह सामान्य नाम है. गांव, गांव में बहुत सारे गांव आते हैं, है ना. सो दैट इज़ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज़ नॉट द सेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. टाउन से कभी हमें पता नहीं चलता कि कौन सा टाउन बोला है, कौन सा गाँव बोला है ना. पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं है, दैट्स वाई टाउन इज़ अ कॉमन नाउन. नाउ वॉट यू हैव टू डू, राइट एट लीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन ईच. 5 कॉमन नाउन्स और 5 प्रॉपर नाउन्स हमें लिखने हैं. सो यहाँ पर सब इंस्ट्रक्शन दिए है. क्या है? प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटर्न विद अ कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग. प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला वर्ड जो होता है, पहला लेटर जो होता है उस वर्ड का, वह हमेशा क्या होगा? कैपिटल होगा. जैसे यहाँ पे दिया हुआ देखो, सेवा हॉस्पिटल. सेवा का एस कैपिटल है एंड हॉस्पिटल का एच कैपिटल है. व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. आफ्टर दैट द टाइम्स ऑफ इंडिया. द टाइम्स ऑफ इंडिया में लेटर वर्ड का फर्स्ट लेटर, सभी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर जो है वह क्या है? कैपिटल है. व्हाई? बिकॉज इट इज़ अ प्रॉपर नाउन. कैन यू थिंक ऑफ प्रॉपर नाउन्स दैट इंक्लूड टू और मोर वर्ड्स? आप लोग क्या बता सकते हो जो दो या तीन वर्ड से या फिर मोर वर्ड से बने हुए ऐसे प्रॉपर नाउन हमें बता सकते हैं आप? हाउ आर दे रिटन? वह कैसे लिखे जाते हैं? फाइंड एटलीस्ट 10 सच नाउन्स. ऐसे आप लोगों को 10 नाम लिखने हैं, कम से कम ढूंढने हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है सेवा हॉस्पिटल, यहाँ पे दो वर्ड्स है और दोनों भी प्रॉपर नाउन है. द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम, इंडिया, द, ये सब प्रॉपर नाउन है. एक ही वर्ड में 3 प्रॉपर नाउन आए हैं, है ना. सो ऐसे आप लोगों को कम से कम 10 ढूंढ के लिखने हैं. सो ओनली 5, ये पहला वाला क्वेश्चन जो है, राइट एटलीस्ट 5 कॉमन नाउन्स एंड 5 प्रॉपर नाउन्स आई गिवन हियर. यू हैव टू फाइंड आउट 10 सच नाउन्स लाइक दिस दैट हैविंग ग्रुप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स. ओके, ये आप लोगों को ढूंढ के लिखने हैं. सो कॉमन नाउन्स फर्स्टली आई एड हियर. 5 कॉमन नाउन ढूंढे हैं मैंने. पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टेबल, पार्टिसिपेंट, चाइल्ड, एक्सेट्रा. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हर वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है बिकॉज दिस वर्ड आर कॉमन नाउन्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन में आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो 5 वर्ड्स यूज़ किए हैं उसका हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट वर्ड जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है. रीमा, मालती, सैटरडे, इंग्लिश और सो ये सारे प्रॉपर नाउन्स है. ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीट दिस लेसन एक्सरसाइज. आई होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन. आई होप यू लाइक माई वीडियो. अगर आपको कुछ डाउट है इस क्वेश्चन आंसर से लेके, या कोई क्यूरीज है इस लेसन को लेके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए. एंड
Please like and share my videos and subscribe to my channel also. And thank you for watching this video.